Jai Hind everyone, today we are going to start lesson number 13 days of the week. In this poem, आपको ये बताया गया है कि जो एक हफ्ते के जो जो days होते हैं, जैसे कि Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, ये हमारे लिए क्या-क्या नई-नई चीजें हर दिन लेकर आते हैं, जैसे कि हम Sunday के लिए बहुत ही ज़्यादा excited होते हैं, जब Monday आता है तो हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आपको इस poem में बताया गया है कि हमें कौन सा दिन हमें क्या क्या चीजें लेकर आता है। आगे की जो poem है वो हम अपनी बुक में से कंटिन्यू रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, हेयर आर सम न्यू वर्ड्स ऑल्सो। फर्स्ट वर्ड इज चीयर। चीयर का मीनिंग होता है जयकार करना या फिर बहुत ही ज़्यादा उत्साह में रहना। देन सेकेंड वन इज डियर। डियर का मतलब होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा, कोई हमें प्यारा रहता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डियर। इज इन्जॉय। इन्जॉय का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मज़े से इन्जॉय करना या फिर हैप्पीनेस शो करना। वीक का मतलब होता है सप्ताह। ठीक है, मंडे इज़ द डे फॉर फन, ट्यूजडे इज़ द डे टू लर्न, वेनसडे कम्स अलॉन्ग विथ चीयर, थर्सडे फ्राइडे वेरी डियर। इस पोएम का मीनिंग है, इस पोएम का मीनिंग है मंडे जो है वो हमारे लिए ढेर सारा फन लेकर आता है, ठीक है, ट्यूजडे जो है वो हमें लर्न करना रहता है, ठीक है, जैसे कि संडे के बाद हमें मंडे मिला, ठीक है, मंडे जो है वो बहुत सारा हमारे लिए फ़न लेकर आता है, मतलब उत्साह लेके आता है, ठीक है। देन ट्यूसडे जो है उसमें हमें थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, उसमें हम कुछ सीखते हैं। देन वेनसडे कम्स अलॉन्ग विथ चीयर। वेनसडे में हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं, बहुत ज़्यादा जयकार करते हैं किसी भी चीज़ की। देन उसके बाद है थर्सडे फ्राइडे वेरी डियर। दैट मीन्स थर्सडे और फ्राइडे जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बिकॉज उसके बाद हमारा सैटरडे रहता है, सैटरडे के बाद हमें संडे की हॉलीडे मिलने रहती है। थर्सडे फ्राइडे हमारे लिए इस कारण अच्छे रहते हैं, बहुत ही डियर रहते हैं, दैट मीन्स बहुत ही लविंग रहते हैं, क्योंकि सैटरडे के बाद हमें संडे मिलने वाला रहता है जिसमें हम बहुत सारा इन्जॉय करते हैं। देन सैटरडे ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय, संडे वी प्ले एंड इन्जॉय। मतलब हम सैटरडे में बहुत सारा इन्जॉय करते हैं, ठीक है, जॉय करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्ती मजाक करते हैं। देन संडे जो है उसमें हम बहुत ही ज़्यादा प्ले करते हैं, इन्जॉय करते हैं टेलीविज़न देखकर, ठीक है, या किसी भी गेम को खेल कर। दीज आर द सेवन डेज ऑफ द वीक विच कीप्स ऑन प्लेइंग हाइड एंड सीक। मतलब ये जो हफ्ते के जो सात दिन होते हैं ये हमारे साथ क्या खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं। हाइड एंड सीक का मतलब होता है छुपन छुपाई, मतलब एक दिन हमारे लिए कुछ और रहता है, दूसरा दिन कुछ और रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये पोएम आपको समझाई गई है।